नमस्कार, इंटर आप न्यूज में आपका स्वागत है। इस तरह ने कार्यों से भावी प्रत्याशी संजय भाई को विधानसभा सिकंदरपुर की जनता के दिलों में बस चुके हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां सिकंदरपुर विधानसभा 359 के भावी प्रत्याशी शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के निर्देशानुसार सभी यूथ अपने बूथ पर पहुंचे। शेख अहमद अली संजय भाई अपने बूथ संख्या 137 पर यूथ बनकर पहुंचे और अपने बूथ अड़ोस पड़ोस अगल बगल पूरे बूथ पर वोटरों का निरीक्षण किया। संजय भाई ने बताया कि जहां वोट घाटी है छुट्टी है, फिर दूसरा 13 नवंबर को, 21 नवंबर को और 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी, जिसे देखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। यदि नहीं है तो उसमें कोई गलती है तो आप सुधारने हेतु फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म भरे जाएंगे। नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए यह कागजात के साथ लेकर आएं। एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा राशन कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड की फोटोकॉपी या जन्मतिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटोकॉपी। पोलिंग बूथ पर BLO बैठेंगे। वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। इस भरोसे से ना रहे कि पिछले चुनाव में हमने वोट डाला था और हमारा लिस्ट में नाम तो होगा ही। ऐसा नहीं है, जो अब नई लिस्ट आई है उसमें बहुत लोगों के नाम नहीं हो सकते हैं। यदि आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फॉर्म 6 नंबर फॉर्म पर अपना नाम जरूर जुड़वा लें। इस सराहनीय कार्यों से भावी प्रत्याशी शेख अहमद अली संजय भाई को विधानसभा सिकंदरपुर की जनता के दिलों में बस चुके हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।